नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉज बड़ी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको विद्यासागर महाविद्यालय के ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके बताऊंगा। यदि आप विद्यासागर महाविद्यालय के ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं तो उससे पहले इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको पता चल सके विद्यासागर महाविद्यालय के ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फिलअप करना है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए बिल्कुल भी देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों विद्यासागर महाविद्यालय का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सबसे पहले विद्यासागर महाविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का नेम है vidyasagarmahavidyalay.org.in। इसी वेबसाइट की मदद से आप विद्यासागर महाविद्यालय के ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा एडमिशन का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ देखिए तीन ऑप्शन खुल के आ चुके हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कोर्स फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑनलाइन एडमिशन 2021। आपको क्या करना है, ऑनलाइन एडमिशन 2021 पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद फिर से एक देखिए नया पेज ओपन हो रहा है। तो यहाँ देखिए फिर से एक नया पेज ओपन होके आ चुका है। यहाँ देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ देखिए बोला गया है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन। आप चाहे तो इन सभी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन दिया गया है न्यू एप्लीकेंट। यदि आप लोग न्यू फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेट पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड करके कंटिन्यू करना है। तो आइए मैं जल्दी से पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ बोला गया कंफर्म पासवर्ड, तो मैं वही पासवर्ड फिर से यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। एंटर कर देने को यहाँ देखिए कंटिन्यू का बटन दिया गया है, तो मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ देखिए फिर से उसी पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया गया है। अब थोड़ा नीचे आते हैं, देखिए फिर से यहाँ पे देखिए नया ऑप्शन खुल के आ चुका है। यहाँ देखिए बोला गया है एप्लीकेशन प्रोसीड्योर, गो टू होम, अप्लाई ऑनलाइन। आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक कर देने के बाद थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ देखिए फिर से एक नया पेज ओपन होकर आ चुका है और यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, वो पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ बोला गया है ऑल फोन नंबर एंड ईमेल आईडी मस्ट बी वैलिड फॉर एडमिशन प्रोसेस। ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट एंड रोल नंबर विल बी प्रोवाइडेड थ्रू फोन नंबर एंड ईमेल। दोस्तों आप लोग फॉर्म फिलअप करने वक्त फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी सही सही फिलअप करिएगा, क्योंकि फ़ोन नंबर पर ही और ईमेल आईडी पर ही आपके मेरिट लिस्ट का इन्फॉर्मेशन और रोल नंबर का इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आई अंडरस्टूड एंड प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए बोला क्या है एप्लीकेशन नंबर, इस पर आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ बोला क्या है एप्लीकेशन डेट, मैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को 5 अगस्त 2021 को फिलअप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 5 अगस्त 2021 दिखा रहा है। अब यहाँ देखिए दोस्तों बोला गया है पर्सनल इन्फॉर्मेशन जनरल डिटेल्स। आपको यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करना होगा। यहाँ देखिए बोला गया है फर्स्ट नेम, सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम फिलअप करना है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ बोला गया है मिडिल नेम, तो यहाँ पे मिडिल नेम फिलअप कर लेते हैं। मिडिल नेम के बाद देखिए यहाँ बोला गया है सरनेम, आपका जो भी सरनेम है उसको यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा, तो मैंने यहाँ पे सरनेम ही फिलअप कर लिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है जेंडर को सिलेक्ट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मेल फीमेल जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे मेल को सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ बोला गया है कास्ट, आप लोग किस कास्ट से बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैं जनरल को सिलेक्ट करता हूँ, आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए जनरल एससी एसटी ओबीसी ओबीसी भी बहुत सारे कास्ट दिए गए हैं, अब मैं जनरल को सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ बोला गया है कास्ट आईडी नंबर एज पर सर्टिफिकेट। यदि आपने यहाँ पे जनरल को सिलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पे एनए लिख देना है। यदि आप एससी एसटी ओबीसी जो भी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कास्ट का आईडी दे दीजिएगा या नंबर दे दीजिएगा। अब देखिए यहाँ बोला गया है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक कर देने के बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे जल्दी से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने देखिए डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है नेशनलिटी, आपका जो भी नेशनलिटी है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश दिया गया है, मैं यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ बोला गया है रिलीजन, तो यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पे हिंदुज़म को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपका जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए बोला गया है मदर टंग, तो सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पे हिंदी को सिलेक्ट करता हूँ। आपका जो भी है बंगाली, हिंदी, उर्दू, संथाली, आपका जो भी है वो आप सिलेक्ट करिएगा। मैं यहाँ पे फिलहाल हिंदी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ देखिए बोला गया है लिविंग टाइप,
तो लिविंग टैंक पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए रूलर और अर्बन दिया गया है। यदि आप लोग गांव साइड में रहते हैं तो रूलर को सिलेक्ट कीजिए, यदि आप शहर के साइड में रहते हैं तो अर्बन को सिलेक्ट करिए। मैं फिलहाल अर्बन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ बुलाया गया है ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप क्या है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ए पॉजिटिव सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ बोला गया है आधार नंबर, आपका जो भी आधार नंबर है उसको यहाँ पे फिलअप करिएगा। मैं यहाँ पे आधार नंबर जल्दी से एंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आधार नंबर को भी एंटर कर दिया है। यहाँ देखिए बोला गया है वर्चुअल आईडी ऑफ आधार इफ एग्जिट, तो मैं यहाँ पे एनए लिख देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे आधार नंबर दे दिया है। यहाँ देखिए बोला गया है प्लीज गिव आधार नंबर और वर्चुअल आईडी ऑफ आधार विच एवर एग्जिस्ट, तो मेरे पास आधार नंबर है तो मैंने आधार नंबर फिलअप कर दिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है कन्याश्री आईडी फॉर फीमेल कैंडिडेट इफ एग्जिस्ट, ये ऑप्शन दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो मैं अभी मेल कैंडिडेट का फिलअप कर रहा हूँ तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एनए लिख दिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है फिजिकल चैलेंज, तो मैं यहाँ पे नो रहने देता हूँ। उसके बाद देखिए बोला गया है माइनॉरिटी, तो मैं यहाँ पे नो रहने देता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ बोला गया है EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो मैं यहाँ पे नो रहने देता हूँ। अब देखिए यहाँ बोला गया है इफ़ यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड एट CU प्लीज एंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यदि आपने पहले से ही कलकत्ता यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, यदि आपने नहीं करवाया है तो यहाँ पे एनए लिख देना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है फैमिली डिटेल, आपका जो भी फैमिली मेम्बर है उनका डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है। सबसे पहले देखिए बोला गया है फादर नेम, तो मैं यहाँ पे फादर नेम को फिलअप कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फादर नेम फिलअप कर लिया है। और यहाँ देखिए बोला गया है क्वालिफिकेशन, आपके फादर का क्या क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। मैं यहाँ पे माध्यमिक सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ बोला गया है ऑक्यूपेशन, आपके फादर क्या काम करते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे फिलहाल सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है वर्कर। अब देखिए यहाँ बोला गया है मदर्स नेम, आपके मदर का जो भी नेम है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे सिलेक्ट एंटर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मदर नेम भी एंटर कर लिया है। यहाँ देखिए बोला गया है क्वालिफिकेशन, आपके मदर का क्या क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे क्लास 8 पास को सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है ऑक्यूपेशन, आपके मदर क्या करती है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ हाउसवाइफ। अब देखिए यहाँ बोला गया है फैमिली इनकम मंथली, आपके फैमिली का मंथली इनकम कितना है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 10,000 को एंटर कर दिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है BPL कार्ड होल्डर, यदि आप BPL कार्ड होल्डर हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ बोला गया है लोकल गार्जियन इफ़ अदर प्लीज स्पेसिफाई, यदि आपके कोई लोकल गार्जियन भी हैं तो यहाँ पे एंटर कीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ बोला गया है परमानेंट एड्रेस, आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है उसको यहाँ पे फिलअप करिएगा। यहाँ देखिए बोला गया है स्ट्रीट लोकेलिटी, मैंने यहाँ पे फिलअप कर लिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है सिटी विलेज, आपका जो भी सिटी या विलेज है उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे फिलहाल कोलकाता कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कोलकाता एंटर कर लिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है पोस्ट ऑफिस, आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे कोलकाता लिख दिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है पिन, आपका जो भी पिन है वो यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे पिन को भी एंटर कर लिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है पुलिस स्टेशन, आपके एरिया का जो भी पुलिस स्टेशन है उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे कोलकाता सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ बोला गया है डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट में भी मैं कोलकाता को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ बोला गया है स्टेट, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे एंटर करिएगा। मैं फिलहाल यहाँ पे वेस्ट बंगाल को एंटर कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ बोला गया है कंट्री, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं फिलहाल यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ बोला गया है प्रेजेंट एड्रेस, उसके बाद देखिए बोला गया है चेक्ड इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो आपको क्या करना है यहाँ पे क्लिक कर देना है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तभी इस पर टिक कीजिएगा, अगर आपका दोनों एड्रेस अलग अलग है तो इस पर चेक मत कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली सब फिलअप हो चुका है। अब देखिए यहाँ बोला गया है मोबाइल, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है। मैं जल्दी से फिलअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर को फिलअप कर लिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है गार्जियन मोबाइल नंबर, आपका जो भी गार्जियन है उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए मैंने गार्जियन का मोबाइल नंबर जो भी है वो फिलअप कर लिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है फ़ोन, यदि आपका फ़ोन नंबर है और कोई तो यहाँ पे एंटर कीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो मैं यहाँ पे एनए लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ बोला गया है व्हाट्सअप नंबर, यदि आपका व्हाट्सअप नंबर है तो यहाँ पे एंटर कर दीजिए, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ बोला गया है ईमेल, आपका जो भी ईमेल आईडी है उसको यहाँ पे एंटर करिए, मैं यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी को एंटर कर लिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है गार्जियन ईमेल, तो मेरे गार्जियन का कोई भी ईमेल नहीं है तो मैं यहाँ पे एनए लिख देता हूँ। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन देखिए मैंने फिलअप कर लिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देना होगा। यहाँ देखिए बोला गया है लास्ट स्कूल, आपका लास्ट स्कूल जो भी है उसको यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे फिलहाल बेलूर हाई स्कूल सिलेक्ट कर लेता हूँ। यदि आपका स्कूल का नेम इस लिस्ट में नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नेम फिलअप करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बोला गया है बोर्ड काउंसिल 10+2, आपने क्लास 12 किस बोर्ड से पास आउट किया है उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे फिलहाल WBCHSC बोर्ड को सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है ईयर ऑफ पासिंग, तो ईयर ऑफ पासिंग मैं 2021 रहने देता हूँ। अब देखिए यहाँ बोला गया है HS रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर को फिलअप करना है, तो मैं जल्दी से रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर लिया है, और आपका रजिस्ट्रेशन किस ईयर में हुआ था उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ बोला गया है HS रोल नंबर, आपके क्लास 12 के एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर था उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए, मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ बोला गया है नंबर, यहाँ पे आपको रोल नंबर रोल फिलअप करना है और यहाँ पे आपको नंबर फिलअप करना है, तो मैं यहाँ पे नंबर ही फिलअप कर लेता हूँ। तो मैंने दोनों बॉक्स को फिलअप कर लिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है मार्क्स ओबिटेन इन HS और इक्विवेलेंट 10+2 एग्जाम, आपके क्लास 12 में कितने मार्क्स आए हैं उसको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ देखिए सबसे पहले बोला गया है सब्जेक्ट एज मेंशन इन योर मार्कशीट, आपके मार्कशीट में जिस हिसाब से सब्जेक्ट दिया गया है उस हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए। तो मैं सबसे पहले हिंदी को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद दूसरे वाले बॉक्स में सिलेक्ट करता हूँ इंग्लिश को, तो यहाँ पे जहाँ पर भी इंग्लिश है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद थर्ड नंबर बॉक्स में सिलेक्ट करता हूँ अकाउंटेंसी को, उसके बाद फोर्थ नंबर बॉक्स में मैं सिलेक्ट करता हूँ इकोनॉमिक्स को, उसके बाद मैं फिफ्थ नंबर बॉक्स में सिलेक्ट करता हूँ बिजनेस स्टडीज़ को, और लास्ट वाले बॉक्स में मैं सिलेक्ट करता हूँ कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन को। तो मैंने देखिए जितने भी 6 बॉक्स थे मैंने सब में सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है थ्योरी, यहाँ पे देखिए बोला गया है फुल मार्क्स, और यहाँ पे देखिए बोला गया मार्क्स OB10, आपका मार्क्स कितना आया था, यहाँ देखिए फुल मार्क्स 80 दे दिया गया है, 80 आउट ऑफ आपका कितना आया है उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी मार्क्स को एंटर कर दिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है प्रैक्टिकल, यहाँ देखिए मार्क्स OB10 बोला गया है, और यहाँ बोला गया है फुल मार्क्स, फुल मार्क्स देखिए ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया गया है 20-20, और आपका 20 आउट ऑफ कितना आया है उसको यहाँ पे एंटर कर लीजिए। तो मैं जल्दी से एंटर करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने सभी मार्क्स को अच्छे से फिलअप कर लिया है। अब देखिए यहाँ बोला गया है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं, यदि आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो इस बॉक्स को सिलेक्ट मत कीजिए, रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ बोला गया है आई हैव चेक्ड एंड वेरीफाइड माई एप्लीकेशन ट्वाइस, ऑल द वैल्यूज एंटर आर करेक्ट एंड नाउ आई वॉन्ट टू सबमिट इट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीधा से इस पर टिक कर देना है, टिक कर देने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन अच्छे से चेक कर लेना है एक बार, कहीं पर गलत तो नहीं है। यदि आपका एप्लीकेशन कहीं पर गलत एंटर हो चुका है तो आप उसको सही कर लीजिए, यदि सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको क्या करना है, सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। सबमिट के बटन पर क्लिक कर देने के बाद थोड़ा वेट करते हैं। सबमिट के बटन पे क्लिक कर देने के बाद देखिए यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन दिया गया है, योर एप्लीकेशन आईडी 863, प्लीज़ फिलअप दिस फॉर्म बाय लॉगिन थ्रू द एप्लीसियंट आईडी। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एप्लीसियंट आईडी दिया हुआ है इसको कॉपी करके रख लेना है। तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ देखिए फिर से एक नया पेज ओपन होकर आ चुका है, यहाँ देखिए मेरा एप्लीसियंट आईडी आ चुका है और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आ चुका है। अब देखिए यहाँ बोला गया है एप्लीकेशन डिटेल, यहाँ देखिए बोला गया है कोर्स अप्लाइंग फॉर, आप लोग जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे अकाउंटेंसी ऑनर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ देखिए बोला गया है चेक्ड एंड वेरीफाई ऑल द वैल्यूज एंटर आर करेक्ट एंड नाउ आई वॉन्ट टू सबमिट इट। आपको क्या करना है, इस वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है, क्लिक कर देने के बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है।
सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देने के बाद थोड़ा वेट करना है। सबमिट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ देखिए फिर से एक नया पेज ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पर देखिए मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन फिलअप किया था वो सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुका है। अब थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ देखिए बोला गया है अपलोड योर फोटो, उसके बाद देखिए बोला गया है अपलोड योर सिग्नेचर। सबसे पहले आपको यहाँ पे फोटो को अपलोड करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करना है। थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ देखिए बोला गया है अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देखिए बोला गया है HS 10+2 लेवल मार्कशीट, यहाँ पे आपको अपना क्लास 12 का मार्कशीट को अपलोड करना है। तो आइए एक एक करके अपलोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फोटो को अपलोड करना है, तो मैं फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ बोला गया है चूज फाइल, और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो मैं सिग्नेचर को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेने के बाद देखिए दोनों फोटो और सिग्नेचर आ चुका है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको अपना क्लास 12 का मार्कशीट को अपलोड करना है, तो मैं चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ। चूज फाइल पे क्लिक कर देने के बाद आपका क्लास 12 का जो भी मार्कशीट है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ देखिए बोला गया है कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देने के बाद आपको थोड़ा वेट करना होगा। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ देखिए जो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा फिलअप होकर आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा नीचे आइएगा, यहाँ देखिए प्रिंट का ऑप्शन दे दिया गया है, और यहाँ पे देखिए क्लोज का ऑप्शन दे दिया गया है। आप चाहे तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होकर आ चुका है। यहाँ पे एप्लीकेशन 2021 लिखा हुआ है, जिस कोर्स के लिए मैंने अप्लाई किया है उस कोर्स का नेम यहाँ देखिए दिया हुआ है। यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिया गया है। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पे फिलअप किया था वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों आप लोग भी इसी प्रोसेस को फॉलो करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट थे वे सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। यदि अभी भी आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके विद्यासागर महाविद्यालय के ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक ही बात करना चाहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली है तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करिए, और मेरे यूट्यूब चैनल द नॉलेज बडी को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरे आने वाली सही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं मैं चैनल के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।